Hello everyone, welcome back to CyberZone. Today in this video we are going to talk about admission notice issued by Don Bosco College Itanagar. So as you can see, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खोल गया है. अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आप डॉन बॉस्को कॉलेज जोलांग इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज अंडर UGC 2 और इसका लोकेशन आपका जोलांग ईटानगर में है. अगर आप इसका पूरा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका फ्लैश न्यूज़, जिसमें आपका एडमिशन जो लेटेस्ट चल रहा है उसके प्रॉस्पेक्टस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड देन अगर आप इसका थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ एक कॉलम है जिसमें आप जो देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2023-24, ये जो आपको ई एडमिशन पोर्टल पर आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप जो है यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं. या फिर अगर आप इसका प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑफर किए जा रहे हैं BA इकोनॉमिक्स, BA पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, BA इन इंग्लिश एंड बैचलर इन सोशियोलॉजी एंड BA इन हिस्ट्री एंड BCom. अगर आप इसका प्रॉस्पेक्टस पढ़ना चाहेगा तो आप ये प्रॉस्पेक्टस में क्लिक करके आप जो है इसको पढ़ सकते हैं. बट ये प्रॉस्पेक्टस थोड़ा लंबा है, सो वी कैन चेक द एडमिशन प्रोसीजर. उसके लिए मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन इसका नोटिस डाउनलोड करके रखा है. As we can see here, Don Bosco College Jolang Itanagar announces admission to BA, BCom, BSW for semester 2023-24. Dated, it was published on 19 May 2023. Instruction for filling up application form for DBC. So instruction, आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहले आपको download the prospectus 2023-24 visiting www.dbcitanagar.ac.in and click the prospectus 2023-24 का आपको डाउनलोड करके उसका इंस्ट्रक्शन पर लेना है. वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा, एकेडमिक फीस वगैरह, फीस स्ट्रक्चर एंड देन आपका वैकेंसी वगैरह. और सेकंड है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2021-22. अंडर दिस सिस्टम स्टूडेंट विल चूज देयर कोर्स ऑनर्स मेजर पेपर फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ. To learn more about it, please read carefully DBC prospectus. तो अगर आपको DBC के बारे में जानना चाहे तो आप जो है इसका prospectus में अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं. तो आपको students को पहले ही first semester से ही आपको अपना core subject यानी कि honors या फिर major paper आपको choose करना होता है. जैसे अगर आप जो political science आगे जाके लेना चाहेगा तो आपको political science ही choose करना पड़ेगा. And third है, please read carefully DBC prospectus 2023-24. Page 1 to 11 regarding procedure for online application and admission, documents required for admission, college fees, etc. अगर आप जो इसका prospectus पे page number 6 to 11 को अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पे आपको सारा online application details और admission and documents requirement का बारे में आपको दिया जाएगा, लिखा गया है sorry. And online application form में अगर आप चाहेगा तो to fill online application आपको उसका वेबसाइट में विजिट करना है जैसे आपको पहले मैं दिखाया था. एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन, नो ऑफलाइन एक्टिविटी अवेलेबल. आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकता है आप जो इसमें. आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड देन आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा एंड देन आपका एडमिशन जो है कॉलेज में ही होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा. और जिस पॉइंट नंबर 2 जहाँ पे आपका रेड एस्ट्रिक मार्क दिखाई देता है, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, तो उसको आपको भर लेना है. एंड थर्ड है, यूज़ योर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. आपको व्हाट्सएप, जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना है, सो दैट यू विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन नोटिसेस और द रिजल्ट. एडमिशन के बाद जो आता है वो रिजल्ट आपको वहाँ पे दिया जाएगा. दिस विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस. ओके, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा. And fourth, application image must be in JPG, JPG, PNG image format and size below 2 MB. Okay, तो इजी आप जो application applicant का आपका photograph जो है ये format में होना चाहिए, less than 2 MB. Enter the percentage of marks required for class 12. Marks of Hindi, geography and physical education are not counted. ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. जब आप application form fill up करने जा रहे हो तो आपको पहले आपको class 12 का percentage डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप UG प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने वाले हो. तो इस पर आपको पहले ये हिंदी, ज्योग्राफी और फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स जो काउंट नहीं किया जाएगा. सो आप इन तीनों के अलावा जितना सब्जेक्ट्स है उसका परसेंटेज निकाल के आपको डालना है. एंड पॉइंट नंबर 6, मेक श्योर टू फिल द डिटेल्स केयरफुली. करेक्शन इज नॉट पॉसिबल वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज ड्यूली सबमिटेड. जब आप फॉर्म भर रहा हो तो सही से भर लेना और पूरा डिटेल्स चेक करके सबमिट कर देना, क्योंकि आपको बाद में करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा. एंड पॉइंट नंबर 7, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट इन
वही JPG और JPEG एंड PNG फॉर्मेट्स, साइज़ बिलो 2 MB, यानी कि आपको क्लास 10th और 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना है। एंड 10 वुड बी लाइक 10 आपका ओरिजिनल देना पड़ेगा, और 12th तो आई थिंक अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला है, तो आपको उसका CBSE का जो नेट का रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं, बट आपको बाद में ओरिजिनल मांगा जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 8, वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड और सबमिशन इज डन, द एप्लीकेंट विल गेट ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपको एप्लीकेशन फर्स्ट पेज में सबमिट करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, उसको अच्छा सेफली रखना। यूज़ दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन इन टू एंड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसीप। ये यूज़र नेम और पासवर्ड से आप जो एप्लीकेशन फॉर्म और उसका रिसीप डाउनलोड करने में काम आएगा। 10th है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कॉस्ट 500। आपको जब नया एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पहले 500 रुपीज़ पे करना होगा। एंड 11th है काइंडली सेव एंड कीप दिस एप्लीकेशन फॉर्म, इफ द एप्लीकेंट गेट एडमिशन इन DVC ही और सी विल हैव टू सबमिट ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म टुगेदर विद डॉक्यूमेंट्स द कॉलेज ऑफिस ड्यूरिंग द एडमिशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये जो कन्फर्मेशन पेज है, एप्लीकेशन फॉर्म और रिसिप्ट, इसका इसको मांगा जाएगा, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है, और विद आपका अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में एडमिशन के दौरान मांगा जाएगा। एंड 12th इज लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी पब्लिश इन द कॉलेज वेबसाइट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। आपका जितना भी एडमिशन प्रोसेस यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका जो है रिजल्ट जो है इसका DVC का ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 13, एडमिशन ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन इन द कॉलेज कैंपस। अगर आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिशन जो है कॉलेज कैंपस में ऑफलाइन किया जाएगा, नो ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन टू बी कम्प्लीटेड विद इन 4 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि आपको रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको 4 दिन के अंदर अपना एडमिशन कर लेना होता है। एंड सेलेक्टेड स्टूडेंट विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड कम्प्लीट एडमिशन प्रोसेस बाई पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन द कॉलेज कैश काउंटर। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एडमिशन होने के दौरान आपको विद इन दैट 4 days आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और कम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस करके आपको विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉलेज कैश काउंटर में जमा करना होगा, यानी कि आप जो अपना इंस्टॉलमेंट को प्रॉस्पेक्टस में जाके देख सकते हैं। एंड 14, फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप ये किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना डिटेल्स यानी कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज होगा तो। तो आपको कब कॉन्टैक्ट करना है, फ्रॉम 9 AM टू 4 PM के अंदर में कॉन्टैक्ट करना है, और ये इस नंबर पर कॉल करिएगा तो आपको उन लोग जो है हेल्प किया जाएगा। एंड हेल्प डेस्क फॉर काउंसलिंग, आपका है काउंसलिंग के लिए हेल्प डेस्क है, पहला है DVC हेल्प डेस्क फॉर काउंसलिंग विल बी ओपन फ्रॉम 10 AM टू 1 PM ऑन ऑल द वर्किंग डेज इन द कॉलेज लॉबी। दूसरा है स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क टू गेट गाइडेंस ऑन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड अदर मैटर्स रिलेटेड टू DVC एडमिशन इन DVC। अब एडमिशन लेने के लिए आप जो है इस दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वॉट है हेल्प डेस्क इज हेडेड बाई द वाइस प्रिंसिपल एंड ए ग्रुप ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स। हेल्प डेस्क को कौन चला रहा है, हेडेड बाई वाइस प्रिंसिपल और ग्रुप ऑफ फैकल्टीज यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा वहाँ पे जो स्टाफ्स होगा। सो आपको अगर इसका प्रॉस्पेक्टस चेक करना है तो आप जो इसको ये लिंक में जाके आप जो प्रॉस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। अगर अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम होगा तो आप जो है साइबर जोन विजिट कर सकते हैं, साइबर जोन का टीम आपको हेल्प करेगा इसको एडमिशन करने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।